इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में नहीं थम रही बलात्कार जैसी घटनाएं। आज दिन हो रहे बलात्कार व हत्याएं जैसी घटनाएं। बलात्कारियों व हत्यारों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उत्तर प्रदेश की पुलिस का नहीं रहा कोई डर। नाबालिग दलित किशोरी को बंधक बनाकर किया दुष्कर्म। पीड़िता ने गांव के ही 3 लोगों पर बंधक बनाकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। पीड़िता द्वारा पुलिस को सूचना देने पर मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस। पुलिस ने अभी तक 2 लोगों को गिरफ्तार किया और पूछताछ की है। आपको बता दें, मामला जनपद कानपुर नगर के कोतवाली घाटमपुर के अंतर्गत एक गांव का है। पूरी रात 6 बजे लड़की टट्टी के गई थी, 6:30 बजे, और हम चले गए भट्टा में चौकीदारी करने। तो यहाँ पुलिस ने टट्टी के, तो टट्टी में लोगों ने छाप लिया, छाप के पकड़ के ले गए। अच्छा, कितनी दूर ले गए? क्या कोई वाहन से ले गए थे? क्या है, कोई मोटरसाइकिल में लाते ले गए? काफ़ी दूर ले गए, 10-12 खेत ले गए। हाँ, फिर उसके बाद? उसके बाद बलात्कार किया। हाँ, अच्छा, कितने लोग शामिल थे? कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं गांव के रहने वाले हैं। अच्छा, हाँ। कितने लोग हैं? 3। अच्छा, जो कैसे, क्या आपको जानकारी कैसे हुई? लड़की ने सब बताया आकर रोकर। क्या क्या बताया? हाँ, इन्होंने तो ऐसा ऐसा किया है, फलाने फलाने ठिकाने, और एक मुद्दा भी रहा है। अच्छा, तो यहाँ से घर से कितनी दूर होगा करीब जा घटनाक्रम? काफ़ी दूर है। चाचा, क्या इसकी सूचना पुलिस को दी तो अभी तक क्या पुलिस के द्वारा कार्रवाई, क्या शासन दिया गया? अब कॉल आए थे, 100 नंबर करो रहा, पुलिस आ ही रहा, 5-6 गाड़ी आई ना, थाने इंजीनियरों को गए, चौकी आई, घाटमपुर के आई, लखनऊ की टीम आई। चाचा, जैसे ये घटना को अंजाम दिया गया है, क्या इसके पहले भी कुछ हरकतें इन लोगों के द्वारा आपके बेटे के साथ में की जा चुकी है? अच्छा, पहले क्या कुछ कोई बात या किसी कोई मामला? कुछ नहीं। कितने बजे करीब घटना है? यह 6:30 बजे का नाम था। अच्छा, क्या अभी तक पुलिस ने किसी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है? हाँ, वो भाई कल एक भाई को ले गए हैं, और एक और ले गए हैं, भाई ना का मुलजिम नहीं मिले हैं। अच्छा, हाँ।